नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में आखिर पॉलिटिकल गेम चेंजर कौन बना हुआ है? बता दें आपको कि आखिर वो कौन है जो आलोचक से लेकर एक सभ्य राजनेता तक की भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही कौन है वो व्यक्ति जो कि एक तरफ आलोचक छवि रखता है तो वहीं दूसरे तरफ एक सभ्य और संस्कारी राजनेता बनने का भी प्रयास करता है। तो बता दें आपको कि जमुई के सांसद चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। चिराग पासवान जो है वो ये दोनों छवि के नेता है। जिस तरीके से 28 मार्च को नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद से एक संस्कारी छवि जो है वो चिराग पासवान के सामने आई है। बता दें आपको कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से सरवाइव करना बेहतर जानते हैं। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में जब नीतीश कुमार की एंट्री हुई थी, तब से लेकर लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी हैं, सबसे बड़े आलोचक चिराग पासवान थे। जब तक हर एक नीति का विरोध जो है चिराग पासवान लगातार करते रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि जब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो गई, तब चिराग पासवान के बोल बदल गए। चिराग पासवान ने कहा कि अभी तक हम जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीति क्या, जैसी नीति प्रधानमंत्री की है उसी नीति पे हम भी काम करते हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो विजन है वो प्रधानमंत्री के नीति से मिलता जुलता है। अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, नरेंद्र मोदी के नीति के साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं से भी उनका विरोध नहीं है। एक संस्कारी राजनेता होने का परिचय चिराग पासवान ने तब भी दिया था जब वो केंद्र की मोदी सरकार के सामने थे और उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस के पैर छुए थे। तमाम रंजिशों के बीच चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जिस तरीके से विवाद चलते आ रहा था, सभी को दरकिनार करके चिराग पासवान जो है वो पशुपति पारस के पैर छुए थे। और बता दें आपको कि पशुपति पारस भी कहीं से पीछे नहीं हटे थे, उन्होंने भी चिराग पासवान को उठाया था और गले लगा लिया था। यानी कि चिराग पासवान कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से डाउन टू अर्थ होना बेहतर जानते हैं। तो बता दें आपको कि चिराग पासवान की ये छवि जो है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये अभी के समय में बड़े पॉलिटिकल गेम चेंजर के रूप में चिराग पासवान को देखा जा रहा है। लेकिन यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि 28 तारीख को जो मुलाकात हुई नीतीश कुमार से, जिस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आई, इसमें भी केंद्र के भी कुछ दबाव थे कि एनडीए गठबंधन में जो एक दूसरे को लेकर सहमति है, जिस तरीके से मेल मिलाप है, ये लोगों को भी, बिहार की जनता को भी बखूबी दिखनी चाहिए और मंच से ये सारी चीजें देखी थी। चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तमाम नेता जो थे वो एक साथ दिखे, जिसके बाद से एक यह भी संकेत गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, जो भी सहयोगी घटक दल है वो एक दूसरे के साथ है और मजबूती से खड़े हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।